आज हम लोग पढ़ेंगे साइनोनिम के बारे में। ये इंग्लिश का जो है एक मोस्ट रिवाइज टॉपिक है जो कि एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में। ये कंपटीशन एग्जाम हो या फिर बिहार बोर्ड का कोई सा भी एग्जाम हो या फिर सीबीएसई में हो, हर तरह के एग्जाम में साइनोनिम पूछता है, ऑब्जेक्टिव में आता है। ये वैसे भी कंपटीशन में तो ऑब्जेक्टिव ही रहता है, सॉल्व करना होता है। इसलिए साइनोनिम के बारे में पढ़ेंगे क्या है साइनोनिम, और इसका जो है एग्जाम्पल भी पढ़ने वाले हैं कि क्या भाई इसका एग्जाम्पल क्या होना चाहिए और किस तरह से इसको साइनोनिम समझेंगे, कि साइनोनिम होता क्या है इसके बारे में जानेंगे, है कि नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। तो क्या है सबसे साइनोनिम का डेफिनेशन क्या है? कि डेफिनेशन साइनोनिम इज अ वर्ड, साइनोनिम इज अ वर्ड मॉर्फेम और फ्रेज व्हिच हैज द एग्जैक्ट सेम मीनिंग और ए वेरी सिमिलर मीनिंग टू अनदर वर्ड। यानी कि साइनोनिम वो होता है जो किसी दूसरे वर्ड का, अरे समझ में देखो, समझो बात को, क्या कह रहे हैं, बात को समझने की कोशिश करना। साइनोनिम वो है जो किसी दूसरे वर्ड का यानी कि दूसरे शब्द का या दूसरे फ्रेज का या दूसरे मॉर्फेम का सेम एग्जैक्ट मीनिंग यानी कि सेम मीनिंग हो, अरे समझ में। जैसे मान लेते हैं कि कोई चीज एक कहते हैं क्या, किसी जैसे 15 इंच का कोई साइज है, मान लेते हैं 1 फीट का एक स्टिक है, तो इसी साइज का कुछ लाएंगे ना, मान लेते 1 फीट का है, तो बोलेंगे इतना बड़ का एक और लाइए, तो लाना तो पड़ेगा इतना बड़का, मतलब इतना साइज का। उसी हिसाब से कह सकते हैं कि ये साइनोनिम जो होते हैं एग्जैक्ट मीनिंग में ढूंढना पड़ता है, एग्जैक्ट साइज है ना, जो वर्ड हमारे पास दिया रहेगा, जो वर्ड हमारे पास दिया रहेगा उसका एग्जैक्ट मीनिंग ढूंढना है, उसका ठीक मीनिंग ढूंढना है, ठीक एकदम जो उसके मीनिंग से मिलता हो, जो उसके मीनिंग से ठीक मैच खाता हो, उसको हम लोग कहते हैं साइनोनिम। कुछ आया समझ में क्या बोले साइनोनिम क्या होता है? साइनोनिम वो है जो किसी दूसरे वर्ड का या कि दूसरे वर्ड हो या फिर अनदर फ्रेज हो या फिर कोई मॉर्फेम हो उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग हमें ढूंढ के लाना, एग्जैक्ट मीनिंग को क्या कहते हैं साइनोनिम कहते हैं, लिखा हुआ है ना। साइनोनिम इज अ वर्ड, साइनोनिम वो शब्द है मॉर्फेम और फ्रेज व्हिच हैज एग्जैक्ट मीनिंग, यहां पे कह रहा है एग्जैक्ट मीनिंग सेम मीनिंग, एग्जैक्ट सेम मीनिंग होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि अब कुछ लिए हैप्पी लेंगे तो सैड दे देंगे तो उसे उल्टा हो जाएगा। साइनोनिम का मतलब ये होता है, एक शब्द से कह सकते हैं हिंदी में साइनोनिम का हिंदी होता है पर्यायवाची, यानी शब्द का उसरा दूसरा शब्द ढूंढ के लाना, शब्द का दूसरा शब्द ढूंढ के लाना, उसे कहा जाता है साइनोनिम। देखो हम भी कुछ एग्जांपल लेकर आते हैं यहाँ पे, तो क्या है हैप्पी है ना, तो हैप्पी जो हैप्पी का मीनिंग क्या होता है, खुश होता है, हैप्पी मतलब क्या होता है खुश, अब कोई आनंद में रहेगा तब ना खुश रहेगा, खुश रहेगा तो आनंद रहेगा, मतलब मस्ती में रहेगा तब ना खुश रहता है, उसको कह सकते हैं जॉयफुल, joyful, joyful का ही मतलब happy का ही synonym joyful है और उसी का cheery है। अब देखो एक हिसाब से कह सकते हैं जब हम party वगैरह में देखते हैं तो party जो करते रहता है तो क्या कहते हैं cheers कहते हैं ना, कोई भी अगर drink लेता है या फिर कोई सा भी क्या कहते हैं cheers कहता है, तो वो मस्ती में अपना झूम के मतलब enjoy लेते रहता नहीं, उसी को कहता है cheers, cheers से बनाए cheery, उसी को कहते हैं happy, happy का joyful और cheery, ये हो गया इसका synonym। तो सेम मीनिंग है, ये सेम मीनिंग है, क्या है सेम एग्जैक्ट सेम मीनिंग। रॉबर, अच्छा रॉबर में क्या होता है, डाकूगिरी करना, चोरी करना होता है कि नहीं, तो थिप का भी तो चोर होता है, रॉबर से बना थिप, रॉबरी चोरी कर लिया, थिप थिप चोरी कर लिया, तो रॉबर और थिप दोनों सेम हुआ या नहीं हुआ, हुआ कि नहीं, डाकू और चोर में कोई अंतर है, मान लेते डाकू अलग टाइप का होता है बट डाकू और चोर तो सेम हुआ ना, चोर उसको भी कहेंगे चोर, डाकू को भी कहेंगे, कहेंगे या नहीं कहेंगे, तो रॉबर एंड थिप बराबर हो गया गेन और प्रॉफिट। अगर हम किसी चीज में इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट ना होगा, गेन करेंगे तब ना, मान लेते हैं कोई जो एक्सरसाइज करता है प्राप्त करना, मान लेते हैं कोई एक्सरसाइज करता है ठीक है, तो क्या वो गेन करता है, अपना एनर्जी प्राप्त करता है कि नहीं करता है, तो क्या मतलब उसे प्रॉफिट होता है नहीं होता है, प्रॉफिट होता है ना, प्राप्त प्रॉफिट जनरल, जनरल का नॉर्मल होता है, जनरल का नॉर्मल होता है, जनरल का साइनोनिम क्या होता है नॉर्मल। जर्नी का ट्रिप क्या कहते हैं, जर्नी यात्रा करना, ट्रिप पे जाना, यात्रा पे गया कह सकते हैं ना, यात्रा पे जाना, टूर पे जाना, तो हो जाएगा जर्नी का ट्रिप या टूर दोनों हो सकता है ठीक है। मर्डर और किल दोनों का सेम मीनिंग है, यानी मर्डर का भी मारना ही हुआ, किल का भी मारना ही हुआ, कोई अदर मीनिंग है, दूसरा मीनिंग है इसमें,
उल्टा पुल्टा तो नहीं है, सेम मीनिंग आ रहा है ना। तो मर्डर का क्या हो गया, किल। मर्डर का भी मारना ही होता है और किल का भी मारना ही होता है, यानी कि जान से मारना। बिफोर का पहले होता है, अर्लियर का भी पहले होता है। बिफोर का मीनिंग क्या होता है, पहले। क्या कहते हैं कि बिफोर 10 डेज बिफोर आई वाज स्टूडेंट, कह सकते हैं कि मैं 10 दिन पहले एक स्टूडेंट था, है ना। तो क्या कह सकते हैं, इसमें अर्लियर भी हम ऐड कर सकते हैं। तो बिफोर का क्या हो जाएगा, अर्लियर। सैनोनिम है क्या, ये सैनोनिम है, समझते जाओगे। जहाँ समझ में नहीं आ रहा तो अप्रोच करोगे, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो पूछोगे, मैं समझ में आ रहा है। बिफोर का क्या हो जाएगा, अर्लियर। अमंग, अमंग का बिटवीन, अमंग का भी मीनिंग होता है बीच में। जब दो पर्सन से अधिक पर्सन का बोध होता है तो हम अमंग यूज करते हैं। अगर बात एक पर्सन का हो तो विथ यूज करेंगे, दो का हो तो बिटवीन यूज करेंगे, तीन का हो तो बिटवीन यूज करेंगे। बट तीन से जब ये ज्यादा हो गया, चार पाँच छह सात हो गया, तो अमंग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, अमंग, क्योंकि प्रीपोजिशन से पहले हम पढ़ चुके हैं प्रीपोजिशन में। तो अमंग का क्या हो जाएगा, बिटवीन। समझ में आ रहा है, सॉर्टेड। सॉर्टेड, सॉर्टेड क्या होता है, गंदा, खराब, एकदम बेकार। क्या होता है सॉर्टेड का, एकदम खराब, बेकार, गंदा। तो डर्टी का भी तो गंदा होता है, इट इज डर्टी, इट इज वेरी डर्टी, ये बहुत गंदा है, बहुत खराब है, बेकार है, कह सकते हैं ना। तो सॉर्टेड कैसे, सॉर्टेड का सिनोनिम हो गया डर्टी। ये एग्जाम में आने वाला है, आज समझ में, एग्जाम में आ सकता है ये, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा एक नंबर में। होल्ड, होल्ड का होता है स्टोर, मतलब किसी चीज को एकत्रित करना, इकट्ठा करके रखना। क्या करके रखना, इकट्ठा करके रखना, जमा करके रखना, जमा करके रखना को ही हम स्टोर कहते हैं, और उसी को होल्ड कहा जाता है, या फिर होल्ड को या फिर स्टोर को। आज समझ में, होल्ड कह सकते हैं, स्टोर भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्लश। क्या है प्लश, प्लश का मीनिंग होता है आलीशान। क्या होता है, आलीशान। क्या कहते हो, कितना आलीशान बंगला है, कितना आलीशान कार ले लिया है कि नहीं। तो लग्जरियस, इसके क्या हो जाएगा, लग्जरियस या लग्जरीज, ये भी होगा लग्जरियस या लग्जरीज। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है कुछ, समझ में आ रहा है वर्ड क्या है, सैनोनिम क्या है। सैनोनिम कहते हैं सेम मीनिंग को, क्या किसको कहते हैं, सेम मीनिंग को। कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस का मतलब होता है योग्यता, उसके अंदर कितनी क्षमता है, क्या कर सकता है। तो कह सकते हैं कि हाउ हैव यू कॉम्पिटेंस, तुम्हारे पास कितनी क्षमता है। तो क्या हो जाएगा, एबिलिटी। क्या हो जाएगा, एबिलिटी। कॉम्पिटेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा, मतलब सिनोनिम क्या हो जाएगा, एबिलिटी, एबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, टर्न ऑफ, और इसका होता है शो ऑफ, मतलब अब देखो खेलते हैं, क्या कहते हैं, शो ऑफ करो, दिखाओ, पर्दाफाश करो। टर्न ऑफ, टर्न ऑफ का वही मीनिंग होता है, पर्दाफाश करना, दिखाना, शो करना। तो टर्न ऑफ का क्या हो जाएगा, शो ऑफ। टर्न ऑफ का शो ऑफ। बैफल, बैफल का मीनिंग होता है किसी किसी आदमी को जो है बहुत ही ज्यादा जो है परेशान करना, बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर देना, फ्रस्ट्रेशन में डाल देना। तो उसी का क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट। बैफल का क्या होगा, फ्रस्ट्रेट, फ्रस्ट्रेट, बैफल का फ्रस्ट्रेट। देखो इसका एक तरह से प्रोनंसिएशन भी जान लो कि कैसे क्या होता है, फ्रस्ट्रेस है कि नहीं, फ्रस्ट्रेस, बैफल का फ्रस्ट्रेस। ब्रेस, ब्रेस का होता है पकड़ बनाना, क्या करना, पकड़ बनाना, पकड़ का बनाना, उसका ग्रिप भी होता है। तो ब्रेस का क्या हो जाएगा, ग्रिप, ब्रेस का क्या हो जाएगा, ग्रिप, ग्रिप। सिविल, इसका होता है पोलाइट, डायनामिक, डायनामिक का होता है फ्लैबी। एम्बिशन, एम्बिशन का होता है एस्पिरेशन, यानी किसी चीज से जो है इंस्पायर होना, मतलब क्या हो, एस्पिरेशन। तो एम्बिशन क्या हो जाएगा, एस्पिरेशन। मार्वेलस, मार्वेलस का क्या हो जाएगा, वंडरफुल, आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक, अचंभित, तो उसको कहते हैं मार्वेलस, और मार्वेल कहते हैं वंडरफुल। वैनलिकी, करप्शन, करप्शन कहते हैं क्या चीज को, क्या चीज कहते हैं, करप्शन, धांधली को, है कि नहीं, धांधली कहते हैं करप्शन, उसको कहते हैं वैनलिटी, क्या कहते हैं। तो आगे क्लास क्या आता, सिनोनिम के बारे में, सिनोनिम क्या होता क्या है ना। तो ये होता है सिनोनिम की, किसी भी वर्ड का या किसी भी मॉर्फेम हो, किसी भी फ्रेज हो या कोई भी शब्द हो, उसका एग्जैक्ट सेम मीनिंग ढूंढना। एग्जैक्ट सेम मीनिंग को हम क्या कहते हैं, साइनोनिम कहा जाता है। आज समझ में, चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे हम खत्म करते हैं। ये था हमारा साइनोनिम का क्लास, फिर करो।